बिहार में अविरत वरसाद ने कारण खेडूत में खुशी माहौल है तो बीजी तरफ आकाश में वरसी रहे आफत ने कारण अनेक परिवारों आधार छीनवाई गयो है। छेल्ला 24 कलाक में बिहार अलग अलग जिल्ला में वीजी पड़वा 25 थी वधु लोगों मौत थे जेमा रोहतास में 6 पागलपुर में 4 जहानाबाद बक्सर जमुई में 3 जयरे गया औरंगाबाद शिवहर खगड़िया सहित विस्तारों में एक एक व्यक्ति मौत थे जेमा 4 महिलाओं और 2 बाड़कियों समावेश थाय छे। मृत्यु पामेला लोको मां मोटा भागना खेडूतो अने खेतर मां काम करता मजूरो अने ढोर चरावा गयेला लोको छे। आकाशमांथी वर्षी रहेली आफत मां सौथी वधारे असर बिहारना रोहतास जिल्लामां थई छे। तो हवामान विभाग द्वारा समग्र देश में वरसाद की आगाही करवामां आवी छे त्यारे आ बधा वच्चे बुधवारे हिमाचल में धोधमार वरसाद पड़ता हिमाचल में प्रवास माटे गयेला प्रवासीओ ने भारे मुश्किली वेठवानो वारो आव्यो। सोशियल मीडिया में वायरल थई रहेला वीडियो में प्रवासीओ गाढ धुम्मस में छतरी लईने फरता जोवा मळ्या। मुंबईना चुन्नाभट्टी विस्तार में आवेल मार्ग पर मोटो भूवो पड़ता पार्क करेला वाहन धसी गया हता। फायर विभाग अधिकारी जणाव्युं के आ समग्र बनाव सवारे 9 वाग्यानी आसपास बन्यो ज्यां दुर्घटना थई ते स्थळो पासे हाउसिंग प्रोजेक्टनुं काम चालतुं हतुं। भूवो पड़ता 8-10 टू व्हीलर और 5 फोर व्हीलर जमीन में अंदर धसी गया। आ घटना वीडियो सोशियल मीडिया में वायरल थयो छे। पुलिस और फायर विभाग की टीमें समग्र विस्तार ने कोर्डन कर लीधो जमीन में धसी गये वाहनों ने बाहर काढ़या था। आ समग्र बनाव में कोई ने पण इजा थई नथी। समग्र उत्तर भारत में चौमासु पूर जोर में पहुंचता घना राज्य में वरसाद पड़ रो दिल्ली पंजाब मुंबई और केरल में भारे वरसाद थयो। दिल्ली मुंबई और केरल में वरसाद ने लईने एलर्ट जाहिर करायो। बुधवार दिल्ली में हलवा मध्यम वरसाद पड़ो येलो एलर्ट जाहिर कर हवामान विभागे नीचाणवाड़ा विस्तारों में पूर की चेतवनी आपी छे। मुख्य मार्गो पर वाहन व्यवहार खोरवाशे। हवामान विभाग जणाव्या अनुसार आगामी 6-7 दिवस सुधी वादळछायु वातावरण और क्यारेक वरसाद पड़वानी शक्यता छे। मुंबईना बागोड़ में हळवो वरसाद थयो तेम छतां भारतीय हवामान विभागे महानगर में केटलाक स्थळोए भारेथी अति भारे वरसाद की आगाही माटे ओरेंज एलर्ट जाहिर कर्युं छे। आबोहवा परिवर्तन कारण तापमान में सतत वधारो थई रह्यो छे। वधती जती गर्मी कारण समग्र विश्व त्रस्त छे। आ दरमियान यूएस नेशनल सेंटर फॉर एनवायरमेंट प्रिडिक्शन गर्मी अहेवालों बहार पड़ो छे जेमा जणाव्युं छे कि 3 जुलाई वैश्विक स्तरे अत्यार सुधी में सौथी वधारे गरम दिवस हतो। विश्वभर में गरम लूना मोजा ने कारण मंगलवार सरेराश वैश्विक तापमान 17.1 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच्यु हतुं। आ तापमाने वर्ष 2016 में बनेला 16.92 डिग्री सेल्सियस अगाउना रेकॉर्ड ने पाछळ छोड्यो छे। ताजेतरना अठवाडिया में दक्षिण अमेरिका में तीव्र गर्मी सामे लोको साथ तेनो सामनो करी रह्या छे। आ सिवाय चीन में पण लोको हीट वेवनो सामनो करी रह्या छे। अहीं तापमान 35 डिग्री सेल्सियस थी ऊपर रहे छे ज्यारे उत्तर आफ्रिका में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस नी नजीक नोंधायु छे। समस्या ए छे कि ज्यां शियाळो छे त्यां गर्मीनो अहेसास थई रह्यो छे। केरल में भारे वरसाद ने कारण अनेक शहर में नीचाणवाड़ा विस्तारों में पानी भराया है। हवामान विभागे वरसाद की स्थिति ने ध्यान में राखी इदुकी कासरगोड और कन्नूर जिला में रेड एलर्ट आप्यु छे। आ साथ प्रदेश 11 जिला में ओरेंज एलर्ट अपायु छे। सावचेती भागरूपे राज्य एर्नाकुलम त्रिशूर कन्नूर सहित 6 जिला में शैक्षणिक संस्थाओं बंद राखवानो आदेश अपायो। इदुकी जिला में फिरमा डेम 100 मिमी वरसाद खाबक्यो छे। प्रदेश महसूल मंत्रीए वरसाद की स्थिति की समीक्षा करवा माटे बैठक बोलावी हती। आ साथ ज तमाम जिल्ला में कंट्रोल रूम शुरू कराया छे। वरसाद ने कारण प्रदेश में अनेक क्षेत्रों में वीज पुरवठो पण खोरवायो छे। गुजरात में आम आदमी पार्टी 5 पदाधिकारी 50 कार्यकर्ताओं साथ बुधवार कांग्रेस पार्टी में जोड़ाया। कांग्रेस प्रदेश प्रमुख शक्तिसिंह गोहिल द्वारा तेमने सभ्यपद आपवामां आव्युं। आ 5 अधिकारियों में आपना प्रदेश उपाध्यक्ष मनोज गुप्ताणी अमदावाद शहर उपाध्यक्ष रमेश वोरा अमदावाद शहर महासचिव एसके पारगहे लोकसभा प्रभारी अजय चौबे और गुजरात एकमना प्रवक्ता पराग पंचालनो समावेश थाय छे। राजीव भवन में आयोजित कार्यक्रम दरमियान गोहिल द्वारा तमाम ने कांग्रेस नो सभ्यपद आपवामां आव्युं।
बुधवारे मुंबईना बांद्रामा एमईटी सेंटर में आपेल तेमना भाषण में अजित पवारे एवी बात कही थी कि जेनाथी फरी एकवार सीएम एकनाथ शिंदे जूथना शिवसेना केम्प में खड़भड़ाट मची गयो छे। अजित पवारे कहू छे कि तेओ चार वक्त राज्य नायब मुख्यमंत्री बनी चुक्या छे, हवे फरी पांचमी वक्त तेमने नायब मुख्यमंत्री बनावामां आव्या छे। हवे तेओए आगळ वधवुं पड़शे, राज्यनी प्रगति माटे उच्च पद प्राप्त करवुं पड़शे। ठाकरे जूथना सांसद संजय राउते बे दिवस पहेला ज कह्युं हतुं कि अजित पवार सहित एनसीपीना नव मंत्रीओनो प्रवेश वास्तव में एकनाथ शिंदेना मुख्यमंत्री पद माटे खतरानी घंटी छे। आज आशंका कोंग्रेसना वरिष्ठ नेता पृथ्वीराज चौहान द्वारा पण व्यक्त कराई हती। अजित पवारे मुख्यमंत्री पद ने लेने भाजप साथे जरूरी थी कोई सौदो कर्यो होवो जोईए। अजित पवारे एनसीपीना राष्ट्रीय अध्यक्ष पदे शरद पवार ने हटावानी मोटी जाहेरात करी छे। अजित पवारे पोताना नवा राष्ट्रीय अध्यक्ष पण गणाव्या। बुधवारे प्रफुल्ल पटेल द्वारा बोलावामां आवेली पार्टीनी राष्ट्रीय कार्यकारिणीनी बेठकमां आ निर्णय लेवामां आव्यो छे। अजित जूथे राष्ट्रवादी कोंग्रेस पार्टी अने एना चूंटणी प्रतीक घड़ियार पर पोतानो दावो दर्शावतो पत्र चूंटणी पंचने मोकल्यो छे। तो बीजी तरफ महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिले अजित पवार सहित नव धारासभ्य ने गैरलायक ठेरवानी मांग करी छे। मुंबई में बन्ने पक्षों की बुधवारे बैठक योजाई थी, जेमां अजित पवारे शरद पवार की उम्र पर टूणा मारता कहूं कि हवे उम्र थई गई छे, आशीर्वाद आपो। राष्ट्रवादी कोंग्रेस पार्टी बन्ने जूथों बुधवारे शक्ति प्रदर्शन कर्यू, जेमां ताजेतर में एनसीपी साथ छेड़ो फाड़ीने भारतीय जनता पार्टी में सामेल थयेला अजित पवार अने एनसीपीना अध्यक्ष शरद पवार द्वारा धारासभ्य ने बैठक में हाजरी आपवा माटे व्हीप जाहेर करायुं हतुं। जो कि आ बैठक की बात करिए तो तेमां अजित पवारनी साथे एनसीपीना संख्यात्मक ताकात दर्शाववामां आवी। अजित पवारनी साथे पार्टीना 53 धारासभ्यमांथी 35 धारासभ्य अजित पवारनी बैठक में पहुंचा था। आवी स्थिति में शरद पवार माटे आवनारा समय में एनसीपी नुं अस्तित्व टकावी राखवुं भारे पड़ी शके छे। एनसीपी वडा शरद पवार सामे अजित पवार नो बढ़वो हवे आगला तबक्का में पहुंची गयो छे। हवे शरद पवार अने अजित पवार बन्ने जूथों पोताने वास्तविक एनसीपी गणावी रह्या छे। आ मुद्दा ने लई बुधवारे बन्ने जूथों अलग अलग बैठक बोलावी हती। अजित पवार नी बैठक में 32 धारासभ्य हाजर। आंकड़ो छे जे बहुमत माटे पूरतो छे, तेम छतां अजित पवार अने तेमना साथी धारासभ्य ने सामेल करी एकनाथ शिंदे समूह सामे पड़कार उभो करवामां आव्यो छे। आनाथी शिंदे समूह नो दबदबो जिस तरह से अजित पवार को लाया गया है कोई जरूरत नहीं थी, पूरा बहुमत उनके पास था, 170 तक उनकी फिगर हो गई थी बहुमत की। फिर भी अजित पवार जैसे सीनियर नेता को उनके साथ कुछ एमएलए भी है उनको लाकर शिंदे गुट के सामने चैलेंज खड़ा कर दिया, उनका बार्गेन पावर खत्म कर दिया। आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री बदल सकता है, मैं आपको बोल रहा हूं। राजधानी दिल्ली में 30,000 कोर्ट में बुधवार वकीलों बे जूथ वच्चे घर्षण थयु, जे बाद एक जूथ द्वारा हवा में फायरिंग करवामां आव्युं, जेनो वीडियो सोशियल मीडिया में खूब झड़पथी वायरल थयो छे। जो कि आ फायरिंग में कोई ने गोली वागी नथी, कहेवामां आवी रह्युं छे कि एकबीजा ने डरावा माटे आ फायरिंग करवामां आव्युं। पुलिसे आ मामले तपास शुरू करी छे। पुलिसे ए जानवानो प्रयास कर्यो छे कि गोली बार करनार वकील कोण हतो अने शा माटेनी आ लड़ाई छे। फायरिंग बाद 30,000 कोर्ट परिसर में हजारों लोको गभराई गया हता, जो कि सदनसीबे कोई ने गोली वागी नथी।
થી ચાલી રહેલા હિંસામાં 63 દિવસ થઈ ગયા છે, પરંતુ હજુ સુધી મણિપુરમાં શાંતિ નથી. બુધવારે મંગળવારે ટોળાએ થેબલ જિલ્લામાં ભારતીય રિઝર્વ બટાલિયન કેમ્પ પર હુમલો કર્યો અને હથિયારો લૂંટવાનો પ્રયાસ કર્યો. આ દરમિયાન ભીડેને સુરક્ષા દળો વચ્ચે અથડામણ થઈ હતી. ટોળાએ સુરક્ષા દળ પર હુમલો કર્યો, જેના જવાબમાં સેનાએ ગોળીબાર કરવો પડ્યો, જેમાં એક 27 વર્ષીય યુવકનું મોત થયું છે. આસામ રાઇફલ્સના એક જવાનને ગોળી વાગતા ઈજા પણ પહોંચી હતી. ઇસરોમાં આજકાલ ભારે હલચલ જોવા મળી રહી છે. ઇસરોના વૈજ્ઞાનિકોએ ભારતના એક મહત્વપૂર્ણ મિશનને સફળ બનાવવા માટે દિવસ રાત એક કરીને તૈયારીઓને આખરી ઓપ આપ્યો છે. દુનિયામાં રહેતા દરેક ભારતીયોને ઇસરોના મહત્વાકાંક્ષી સ્પેસ મિશન ચંદ્રયાન 3 માટે ઘણો ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે. આ બધા વચ્ચે ઇસરોએ ચંદ્રયાન 3ના રોકેટનો વિડીયો શેર કર્યો છે. 12 થી 90 જુલાઈ વચ્ચે ચંદ્રયાન 3 લોન્ચ કરવામાં આવશે. પહેલા 2 ચંદ્રયાન મિશન બાદ ઇસરોએ આ ત્રીજો પ્રયાસ છે. ઇસરોના આંધ્રપ્રદેશના તટ પર આવેલ શ્રી હરિકોટાના સતીશ ધવન સ્પેસ સેન્ટરથી આ રોકેટ લોન્ચ થશે. આ મિશન માટે ખાસ રોકેટનો ઉપયોગ કરવામાં આવશે. જમીનના બદલે નોકરી કૌભાંડ કેસમાં દાખલ કરાયેલી ચાર્જશીટમાં લાલુ પ્રસાદ યાદવ, રાબડી દેવી અને તેજસ્વી યાદવના નામ સામેલ કરાયા હતા. ત્યારે આ વિશે વાત કરતા જેડીયુના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ લાલનસિંહે જણાવ્યું છે કે દબાણ અને બદલો છે, તેના માટે તેજસ્વી યાદવ સામે કાર્યવાહી કરાઈ છે. સીબીઆઈ અગાઉ 2 વાર જણાવી ચૂકી છે કે તેમની પાસે આ કેસમાં કોઈ પુરાવા નથી. वो दबाव बनाने के लिए कार्रवाई हो रही है. उन पर जो कार्रवाई जिस मामले में हुई है, 2 बार सीबीआई ने कह चुकी है कि कोई साक्ष्य नहीं है. तिवारा दबाव बनाने के लिए कार्रवाई हो रही है बदले की भावना से. આરએસએસના નેતા ઇન્દ્રેશ કુમારે યુસીસી વિશે વાત કરતા જણાવ્યું છે કે આ કાયદાનું સમર્થન વધારે અને વિરોધ ઓછા લોકો કરે છે. આ કાયદો મહિલાઓ પર થતા અત્યાચારને અટકાવશે. આ કાયદા હેઠળ તમામ ધર્મના લોકોને તેમના ધર્મનું પાલન કરવાની સ્વતંત્રતા મળશે. આ કાયદાને લાગુ કરાયા બાદ ભાઈચારામાં વધારો થશે. કેટલાક રાજકીય પક્ષોને લાગે છે કે જો મુસ્લિમ સમુદાય યુનિફોર્મ સિવિલ કોડને સાચા અર્થમાં સમજી ગયો તો તેમની વોટ બેંકની રાજનીતિ સમાપ્ત થઈ જશે. લોકોમાં કાયદાને લઈને ભ્રમ પેદા કરવામાં આવી રહ્યો છે. ઉનકા સમર્થન અધિક હૈ, વિરોધ કમ હૈ. એસા હૈ કે રાજનીતિક દલો કો લગ રહા હૈ સમાન નાગરિક કાનૂન અગર મુસલમાન ઠીક સમજ ગયા તો વહ ઉનકે વોટ બેંક કી ઓર ગુલામી સે નિકલ જાયેગા. वह एक खुद्दार हिंदुस्तानी बन जाएगा. इसलिए वह केवल वोट बैंक की राजनीति के कारण गुमराह करके भड़का रहे हैं. मैं अपने मुसलमान भाइयों को कहूंगा कि हम सब हिंदुस्तानी थे, हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तानी बनकर जिए और आने वाले समय के अंदर गुमराह करने वालों को हराएं. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી આગામી 7 તારીખે 36 કલાકમાં 4 રાજ્યની મુલાકાતે જવાના છે અને તેઓ કુલ 50,000 કરોડની યોજનાઓનું શિલાન્યાસ અને ઉદઘાટન કરશે. પીએમ મોદી 7 અને 8 જુલાઈ દરમિયાન ઉત્તર પ્રદેશ, છત્તીસગઢ અને રાજસ્થાન તેમજ તેલંગાણાના 4 રાજ્યો છે તેમાં 5 મોટા શહેરોમાં આયોજિત કાર્યક્રમમાં ભાગ લેશે. ઉત્તર પ્રદેશ સિવાયના બાકીના 3 રાજ્યમાં આ વર્ષના અંતમાં વિધાનસભા ચૂંટણી યોજાવાની છે. તેવામાં પીએમ મોદીની મુલાકાત મહત્વની માનવામાં આવી રહી છે. વડાપ્રધાન 4 રાજ્યોના 5 મોટા શહેરમાં રાયપુર, ગોરખપુર, વારાણસી, તેલંગાણાના વારંગલ અને રાજસ્થાનના બિકાનેરમાં કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત રહેશે. રાજસ્થાનના પ્રતાપગઢમાં જાહેર સંબોધન દરમિયાન કેન્દ્રીય મંત્રી નીતિન ગડકરીએ જણાવ્યું છે કે હવે તમામ વાહન ખેડૂતો દ્વારા તૈયાર કરાયેલ ઇથેનોલ પર ચાલશે. આનાથી પેટ્રોલ પર નિર્ભરતા ઘટશે અને સાથે જ દેશમાં પ્રદૂષણનું સ્તર પણ ઘટશે. 16 લાખ કરોડ રૂપિયાની આયાતની જગ્યાએ આ પૈસા ખેડૂતો પાસે જશે અને તેનાથી ગામડાઓ વધુ સમૃદ્ધ થશે. દેશના ખેડૂતો અન્નદાતા નહીં પરંતુ ઉર્જાદાતા બનશે. ભારત વિશ્વમાં સૌથી ઝડપથી વિકસતું અર્થતંત્ર છે. अब सब गाड़ियां किसानों ने तैयार किए हुए इथेनॉल पर चलेगी. 60% इथेनॉल, 40% बिजली, उसका अगर एवरेज पकड़ा जाएगा
तो 15 रुपए लीटर पेट्रोल का भाव होगा, जनता का भला होगा, किसान ऊर्जा दाता बनेगा, देश का प्रदूषण कम होगा, इंपोर्ट कम होगा। 16 लाख करोड़ रुपए का इंपोर्ट है, उसके बजाय यह पैसा किसानों के घर में जाएगा। देश में एन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट मनी लॉन्ड्रिंग केस की तपास करने जे तेमने अमर्यादित सत्ता अपाई है। जो कि ईडी ने अमर्यादित सत्ताओं सामे देशना वरिष्ठ धाराशास्त्री हरीश साल्वे सुप्रीम कोर्ट ने अपील करी छे। वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे रियल्टी ग्रुप तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जणाव्यु हतु कि ईडी ने असाधारण सत्ताओं आपी दीवाई छे, जो सुप्रीम कोर्ट तेना पर लगाम नहीं लगावे तो आ देश में कोई सलामत नहीं रहे। देश में केवी रीते धरपकड़ो थई रही छे, अमारा असली तपास एजेंसी ने सहकार आपी रह्या छे। धरपकड़ ने अनेक अधिकारी भंग थयो छे, त्यारे कोर्ट निश्चितपणे ईडी पर लगाम राखे ते जरूरी छे। दिल्ली हाईकोर्टे 2000 रूपयानी नोट परत खेंचवाना आरबीआईना निर्णय विरुद्ध करवामां आवेली पीआईएल ने फगावी दीधी छे। अरजी फगावता कोर्टे जणाव्युं हतुं के आरबीआई 2000 रूपयानी नोट परत लेवानो निर्णय करंसी मैनेजमेंट सीस्टम हेठळ लीधो छे। हाईकोर्टे वधुमां जणाव्युं छे के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकोने फक्त एटली ज सूचना आपी रही छे कि 2000 रूपयानी नोट फरीथी इश्यू करवामां न आवे, जो के ते लीगल टेन्डर तरीके चालू रहेशे। उल्लेखनीय छे के पीआईएल करनार रजनीश भास्कर गुप्ताए पोतानी अरजी में दावो कर्यो हतो के आरबीआई पासे 2000 रूपयानी नोट परत खेंचवानी सत्ता नथी, आ सत्ता फक्त केन्द्र सरकार पासे छे। टामेटाना भावमां धरखम वधारो नोंधायो छे, त्यारे तमिलनाडुनी सरकारे प्रदेशमां जाहेर वितरण केन्द्र पर लोकोने टामेटा 60 रूपया प्रति किलोना भावे उपलब्ध कराव्या छे। राज्यना 82 जाहेर वितरण केन्द्रों पर टामेटा बजार भाव करता सस्ता भावे उपलब्ध कराया हता। वर्तमान समय में बजार में टामेटा 120-140 रूपया प्रति किलोना भावे वेचाई रहा छे। सूत्रों पासेथी मळती माहिती प्रमाणे राज्य सरकारना नागरिक पुरवठा विभागे जाहेर वितरण केन्द्र में एक व्यक्ति मात्र 1 किलो सुधी टामेटा खरीदी सकशे। तमिलनाडु सरकारना मंत्री एस पेरिया करुप्पने जणाव्युं छे कि जो टामेटाना भाव वधु वधशे तो तेनुं उत्पादन वधारवा माटे राज्य सरकार योग्य पगला लेशे। छत्तीसगढ़ ऑपरेशन मुस्कान हेठ प्रदेश ने सरकारे गुम थे 569 बाड़कों ने शोधी काढ़ा छे। ऑपरेशन मुस्कान हेठ पुलिस गुम थे 72 बाड़कों अने 487 बाड़की ने शोधी काढ़ी छे। महत्वनु छे कि आज शोधी काढ़ा लोगों आंदोलन बाद वहीवटी तंत्र एक्शन में आव्यु। उल्लेखनीय छे कि बलात्कार की घटना 22 जूने बनी थी, घटना बनया बाद 2 दिवस बाद पीड़िता हॉस्पिटल में मौत थयुं। मध्यप्रदेशना सीधीमाथी मानवताने शर्मसार करतो वीडियो मंगलवारे सोशियल मीडिया में वायरल थयो हतो। आ वायरल वीडियो में एक युवक पर सरा जाहिर में पेशाब करवामां आव्यो, जे बाद पुलिस तंत्र द्वारा कार्यवाही करवामां आवी। युवक पर पेशाब करनार आरोपी प्रवेश शुक्ला सामे कार्यवाही कराई छे। आरोपी की धरपकड़ बाद हवे तेना घर पर बुलडोजर फेरवी देवामां आव्यो। पुलिस तंत्र द्वारा बुलडोजर वडे मकान तोड़ी पाड़वामां आव्यो छे। साथे ज मध्यप्रदेश पुलिसे मोड़ी रात्रे आरोपी की धरपकड़ करी। आ पहला मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कहूं हतु कि आरोपी सामे कड़क कार्यवाही करवामां आवशे। सीधीना पुलिस अधीक्षक रविन्द्र वर्माए जणाव्यु आरोपी प्रवेश शुक्ला विरुद्ध SC ST एक्ट की कलम 294-504 हेठ गुनो नोंधायो छे। युनाइटेड नेशन ने सुरक्षा परिषद में भारत ने कायमी सभ्यपद माटे वर्षो थी मांगणी करवामां आवी रही छे। था
जे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तेना सभ्यो छे तेमणे ऑनलाइन बैठक बुलावी हती। भारतना कायदा पंचे यूसीसी मुद्दे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पासेथी अभिप्राय मांग्यो हतो। आ मुद्दे प्रतिक्रिया आपता बोर्डना सचिवे जणाव्युं कि यूसीसीनी कोई जरूर नथी। आ साथे पर्सनल लॉ बोर्डे अन्य धार्मिक संस्थाओ पासेथी अभिप्राय मेळवा माटे 6 महिनानो समय मांग्यो। आ पहेली वार आ पहेला पण जे बोर्ड ठराव पसार कर्यो हतो जेमां यूसीसी बिनजरूरी होवानुं તેમણે જણાવ્યું હતું। વડાપ્રધાન મોદીએ જાહેર સંબોધનમાં જણાવ્યું હતું કે યુનિફોર્મ સિવિલ કોડ વિશે બંધારણમાં પણ વાત કહેવામાં આવી છે। જમ્મુ કાશ્મીરના રાજૌરીમાં થાનામંડી વિસ્તારમાં કારને અકસ્માત નડતા 4 લોકોના મોત થયા અને 5 લોકોને ઈજા પહોંચી છે। તમામ ઘાયલોને રાજૌરીની સરકારી મેડિકલ કોલેજ અને એસોસિએટ હોસ્પિટલમાં સારવાર અર્થે ખસેડાયા। આ સમગ્ર ઘટનાની માહિતી મળતા જ પોલીસ પણ ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી। પોલીસે મૃતદેહોની ઓળખ કરી છે। બીજી તરફ જીએમસીના મેડિકલ સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ ડોક્ટર મહેમૂદ હુસેને જણાવ્યું હતું કે અકસ્માતમાં ઘાયલોને સારવાર કરવામાં આવી। વડાપ્રધાન ઇમરાન ખાને આપેલા એક ઇન્ટરવ્યુમાં પોતાની સરખામણી મહાત્મા ગાંધી અને લેલ્સન મંડેલા સાથે કરી। તેમણે જણાવ્યું છે કે આ મહાપુરુષોના માર્ગે હું ચાલવા માંગુ છું, ચૂંટણી ન લડી શકું એ માટે પાકિસ્તાન સરકાર મને જેલમાં ધકેલવા માંગે છે। સરકાર જેટલો મને દબાવવાનો પ્રયાસ કરશે તેટલી મારી પાર્ટી લોકપ્રિય બનશે। રાજકારણમાં કારકિર્દી બનાવવા માટે આવ્યું નથી અને કોઈને આ ક્ષેત્રે કરિયર બનાવવાની સલાહ આપી નથી। નેલ્સન મંડેલા અને મહાત્મા ગાંધી જેવા લોકો સ્વાર્થ વિના દેશ માટે લડ્યા। સત્તા ગુમાવ્યા બાદ પાકિસ્તાનની શહબાજ શરીફ સરકાર ઇમરાન ખાન સામે કુલ 170 કેસ દાખલ કરી ચૂકી છે।